पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित किया है। वहीं बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। राज्य में सभी दुर्गा पूजा पंडाल अब आगंतुकों के लिए नो एंट्री जोन होंगे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंडाल में केवल आयोजकों की एंट्री होगी और पंडाल के बाहर आयोजकों के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। पंडाल परिसर में अधिकतम 25 सदस्यों की अनुमति है। कोर्ट ने कहा कि पंडाल में जाने वाले आयोजकों के नाम और संख्या फिक्स होगी और इसे रोज बदला नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि छोटे पंडालों के लिए 5 मीटर का क्षेत्र और बड़े पंडालों के लिए 10 मीटर के क्षेत्र को भी नो एंट्री जोन में शामिल किया गया है। जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने नए प्रतिबंधों को लेकर यह आदेश दिया है जो तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। जजों ने इस बात पर भी निराशा जाहिर की है कि राज्य सरकार उत्सव के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों को लागू करने की योजना पर काम नहीं किया।